माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी, राजस्थान के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी, मनोनीत उप मुख्यमंत्रीगण सुश्री दिया कुमारी जी, डॉक्टर प्रेमचंद्र बैरवा जी, आप सभी से आग्रह है कि अपने अपने स्थानों पर खड़े रहें राष्ट्रगान के लिए।
में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आपसे कुछ देर में संपन्न होगा। आप तस्वीरों में देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। अब मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूँ मुख्य सचिव महोदया श्रीमती उषा शर्मा जी से कि वो शपथ ग्रहण कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, संचालन करें। मैं माननीय राज्यपाल महोदय से आग्रह करती हूँ कि कृपया शपथ ग्रहण समारोह शुरू करने की अनुमति प्रदान करें। महोदय, मनोनीत मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। महोदय, कृपया अब आप मनोनीत मुख्यमंत्री जी को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करावें। मनोनीत माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी से अनुरोध है कि शपथ ग्रहण करने हेतु पधारें। मैं भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रगता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। महोदय, मनोनीत उप मुख्यमंत्री सुश्री दिया कुमारी अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। महोदय, कृपया अब आप मनोनीत उप मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करावें। मैं दिया कुमारी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुत्ता और अखंडता अक्षुण रखूँगी। मैं राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी।
मैं दिया कुमारी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं दिया कुमारी ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समक्ष निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। महोदय, मनोनीत उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। महोदय, कृपया अब आप मनोनीत उप मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करावें। मैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी प्रकार या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा।
मैं माननीय राज्यपाल महोदय से आग्रह करती हूँ कि कृपया शपथ ग्रहण समारोह के समापन की अनुमति प्रदान करें। कृपया आप सभी से निवेदन है कि राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान। आज का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आप सभी का हार्दिक आभार, अभिनंदन, धन्यवाद।